हेलो दोस्तों, लर्न बेसिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज से कोई भी वेब पेज हम डायरेक्ट पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा वीडियो है, इसलिए कोई स्टेप मिस मत करिएगा। तो इससे पहले वीडियो शुरू करूं, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको मेरे चैनल पर हिंदी और इंग्लिश दोनों पर वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि कैसे वेब पेज हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट पीडीएफ में जब हम माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे हो। तो ठीक है, तो देखिए बहुत छोटा सा मेथड है। ये थ्री डॉट दिख रहा होगा आपको लेफ्ट हैंड साइड में एकदम ऊपर। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक करिए तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। ठीक है, यहां पे हमें जाना है प्रिंट पे। ठीक है, ये सेम ही मेथड है ऑलमोस्ट जो मैंने क्रोम पे अभी बता रहा, इससे पहले भी वीडियोस में बनाया हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं, मतलब गूगल क्रोम से कैसे वेब पेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वही मेथड यहां पर भी यूज होता है। तो सिंपल पीडीएफ में प्रिंट में क्लिक कर दीजिए। जब आप प्रिंट में क्लिक करेंगे, ये देखिए सबसे ऊपर ही दिखा रहा है आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। ठीक है, यहां और भी ऑप्शन है, आप ड्रॉप डाउन में चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि पीडीएफ में कन्वर्ट करना है इसलिए हमें सिर्फ इसी को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और भी कई सारी सेटिंग्स हैं, यानी कि पोर्ट्रेट में चाहिए कि लैंडस्केप में, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑल पेजेस चाहिए या करंट पेज चाहिए, या आप कस्टमाइज कर सकते हैं, श्रिंक टू फिट कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, सारे काम आप कर सकते हैं। और जो आपका मतलब इमेज दिखा रहा है वो दिखा रहा है यहाँ पे, देख लीजिए ऐसा ये मतलब सेव होगा आपके पीडीएफ में। ठीक है, एकदम सामने आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एकदम ये ऐसा सेव होगा आपके पीडीएफ में। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, सबसे नीचे देखिए प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, बस इस पर क्लिक कर दीजिए। और जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपका पेज सेव करने के लिए बोलेगा, तो इसको जहां पर भी आप सेव करना चाहते हैं तो वहां पर आप सेव कर दीजिए। हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो हम पीडीएफ एट एज का नाम दे देते हैं, पी डी एफ ई डी जी ई एज का नाम दे देते हैं, उसको यहां से सेव कर देते हैं। ठीक है, अब ये पेज हमारा यहां पर सेव हो गया, हमने गूगल का ही मतलब वेब पेज बना लिया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कैसा कैसा सेव हुआ। ये देखिए पीडीएफ हमारा यहाँ पर, देखिए पीडीएफ एज के नाम से ये सेव हो गया। ठीक है, इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको शो कर देगा वेब पेज जो हम गूगल पे वहाँ पे सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एज पे जो सर्च कर रहे थे। ठीक है, यानी कि google.com, ये देखिए। ठीक है, तो ये वेब पेज आपका यहाँ पर सेव होगा। इस तरह से आप कोई भी वेब पेज आप सेव कर सकते हैं जब आप माइक्रोसॉफ्ट एज पे काम कर रहे हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।